दोस्तों मार्केट रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि 23 दिसंबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियो है, वो देखकर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी सभी इंपॉर्टेंस रहता है जब भी हम लोग मार्केट ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा चार्ट मेरा पूरा क्लीन है, तो आज हम लोग कुछ मैं आपके साथ कुछ ये निकालूंगा, लेवल निकालूंगा और आपसे शेयर करूंगा। जैसे कि कल जो इतना मार्केट का जो करेक्शन हुआ था उसके बाद मार्केट जो है कि अभी नीचे जाता है और भी नीचे जाएगा या कवर होगा, ये सबको जैसा ये लगा था कि क्यूरियोसिटी था। लेकिन जैसे कि आज मार्केट ने परफॉर्म किया, निफ्टी 137 पॉइंट पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी 169। तो यहाँ पे निफ्टी जरा स्ट्रांग दिख रहा है बैंक निफ्टी से। ये और जैसे कि मार्केट गिरने के बाद मैंने जैसे कहा था कि पहले आप अगर आप देखो तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ यहाँ पे, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ कैंडल आया और मैंने कहा था भी कि एक बड़े गिरावट के बाद कभी कभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है या थोड़ा कवरिंग दिखाएगा, जैसे आज मार्केट ने दिखाया। लेकिन एक इसके बाद क्या हुआ वो भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमको कुछ सीखना भी है, जैसे कि कोई भी सिग्निफिकेंट कैंडल बनता है जैसे कि ये बना था और अभी का बना है, तो जब तक कि इसके नीचे अगर कोई क्लोज नहीं देता तो हम लोग नेगेटिव नहीं होंगे और इसके ऊपर क्लोज नहीं देते तो हम लोग पॉजिटिव नहीं होंगे। इन बिटवीन हमको एक साइडवेज मार्केट रहेगा। ये मार्केट के बाद जैसे कि ये कैंडल आता है तो इससे हमको पता चलता है कि मार्केट अभी कवर कर रहा है या जो कल जिन्होंने शॉर्ट किया था वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। देखिए नॉर्मली जब भी सिग्निफिकेंट कैंडल के नीचे जब भी चालू हो जाता है तो जिन्होंने शॉर्ट किया है वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे नहीं जाते हुए थोड़ा मार्केट कवर हो रहा है तो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा कल वो लोग आज बाइंग करते हैं, तो उसको कहते हैं कि शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी दिख रहा है, अभी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ लेकिन कन्फर्म बाइंग यानी कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा ये हम लोग कैसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग मैं आपके सामने लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये जो है कि हाई और ये जो है कि लो, तो ये अपना एक लेवल हो गया कि उसके ऊपर जाएगा तो एक कन्फर्म बाइंग होगा, इसके नीचे सेल जैसे कि ये कैंडल में हुआ था आप देख रहे हो, और ये जो इसका लो है लगभग ये कैंडल का ओपन था वहीं पे आ रहा है, तो इसके नीचे मार्केट जोर से गिर सकता है। आज नहीं गिरा कभी भी जाएगा तो गिर सकता है जब तक कि ये ऊपर का हाई ब्रेक नहीं करता। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर का हाई ब्रेक नहीं करते हुए यहाँ से रिटर्न होता है और नीचे लो ब्रेक करता है तो एक डाउनफॉल आ सकता है। आज का जो बाइंग था तो इतना गुड आउट के बाद बाइंग होता ही है, जिसको हम लोग शॉर्ट कवरिंग भी कह सकते हैं। कन्फर्म अप ट्रेंड कभी होगा जैसे कि आज का जो कैंडल का एक हाई बना है, अगर इसके ऊपर जाता है और कोई कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ तक आ सकता है। उसके बीच में भी और कुछ है जैसे कि आज का जो क्लोजिंग हुआ है लगभग 50% के थोड़ा ऊपर हुआ है, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 50% से थोड़ा ऊपर हुआ है लेकिन 61% के यहाँ पे नहीं हुआ, तो आपको नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस रहेगा ये 61% का भी होगा। इसके ऊपर जाके अगर सस्टेन होता है तो उम्मीद बढ़ जाएगी यहाँ तक यानी कि 100% जा सकता है, लेकिन ये 100% जाने के बाद जब भी क्लोज होगा तभी हम लोग नेक्स्ट मूवमेंट के लिए सोच सकते हैं कंप्लीट पॉजिटिविटी के लिए। नेक्स्ट हमको अभी 2 दिन ही है जो कि ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे 2 दिन में तो यहाँ पे मूवमेंट होगा नहीं होगा ये मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन जब भी होगा तो आज का कैंडल के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इंट्राडे में भी हमको ट्रेडिंग का मौका मिलेगा और इसके ऊपर क्लोज देता है तो एक कवरिंग होने का चांसेस है। तो यहाँ पे एक बिग कैंडल के बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग होता है, लेकिन आप लेवल पे ट्रेड करो। अगर आज आपने देखा होगा इंट्राडे लेवल में भी यहाँ पे चांस मिला था, अगर आप फिबोनाची भी लगाओ या दूसरा भी कोई लेवल लगाओ दूसरा टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको चांस मिलता। तो पहले हमको यहाँ पे 13,530 के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है ये कल देखना पड़ेगा। आज के कैंडल के ऊपर क्लोज होना अगर कल होता है तो एक पॉजिटिविटी होगा सकता है, यहाँ तक हाई टच करने का चांस कर सकता है। जैसे कि आपने नीचे भी देखा होगा यहाँ पे देखिए कि ये कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे एक बार ये लो टच करके अगर ऊपर जाता तो और अच्छा होता था। जैसे कि नीचे में आपने देखा होगा इसमें टच करने के बाद गया यानी कि लो को रिजेक्शन किया प्रॉपरली, यहाँ पे लो के पास नहीं गया था, तो ये भी एक थोड़ा सा चिंता करने वाली बात है। बट कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपके जो लेवल है जैसे कि अभी मार्केट जिसके ऊपर है तो नीचे वाले आपके लिए सपोर्ट है और ऊपर वाले रेजिस्टेंस है,
वो देख के हमको ट्रेड करना है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव या साइडवेज मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ऊपर और नीचे वाला जब तक लेवल नहीं जाता तब तक हम लोग कन्फर्म नहीं बोल सकते, और ऐसे नहीं बोल सकते तो भी चलेगा, जो ट्रेडर है उनके लिए दोनों साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग 5 मिनट में देखेंगे कल के लिए लेवल। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे हम लोग कल के लिए कुछ लेवल देखेंगे कहाँ पे हमको बाय या सेल करना है। तो यहाँ पे जो लगभग आज का हाई था 13,492 लगभग 500 के आसपास होता है, तो इसके ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे। नेक्स्ट सेलिंग के लिए 13,378 का जो लेवल है, ये जो फिबोनाची का 38 लेवल है, तो ये इसके नीचे जाता तो हम लोग कल सेल करेंगे। ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर मेरा व्यू रहेगा, यहाँ पे एक निफ्टी के लिए एक साइडवेज रहेगा, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आई है, लेकिन कंफर्मेशन हम लोग कभी भी नहीं कर सकते। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जब तक इसके कैंडल के ऊपर जाता है या फिर इस लेवल के ऊपर या फिर आपको यहाँ पे देखना है, तो कभी एक हाई बनाने के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस होगा और उसको ब्रेक करेगा तो ये भी प्राइस एक्शन बनता है, तभी भी थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आ सकता है। यानी एक कैंडल के इमीडिएटली हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड, जैसे कि कल के कैंडल के बाद इमीडिएटली हम नहीं बोल सकते कि आज शॉर्ट करना है। जब तक कि मैंने आपको कल कहा था लो ब्रेक ना हो जाए तो हम लोग पोजिशनली शॉर्ट नहीं रहेंगे, इंट्राडे में शॉर्ट और बाय और सेल करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी के डिलीवरी और इंट्राडे के भी लेवल बताए, अकॉर्डिंगली हम लोग कल वैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी का जो है कि कैंडल तो एक बुलिश साइन पे आया है, लेकिन इसका बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं है। ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का लगभग ये सपोर्ट लेवल से ही ऊपर आया, एक बात अच्छी है बैंक निफ्टी कवरिंग करना चाह रहा है, लेकिन निफ्टी को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो आज का जो हाई था उसके ऊपर अगर जाता है तो कल हम बाइंग कर सकते हो, उसके सिवा बाइंग नहीं करना है। अगर नीचे खुलता है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कल का लो भी काटा था, तो यहाँ पे बहुत बेस्ट अच्छा इवेंट है। अगर इसके ऊपर क्लोज होता तो अच्छा रहेगा, बट कल के लो है उसके नीचे क्लोज देता है तो बैंक निफ्टी और नीचे जा सकता है। नीचे वाला जो लेवल है 28,914 ये इम्पोर्टेंस लेवल है, यहाँ पे मैंने जो है कि रेड इसे लिखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंट्राडे में क्या लेवल रहेंगे कल बैंक निफ्टी के लिए। तो हम लोग नज़दीक वाले लेवल देखते हुए 29,708 ये जो लेवल है उसके ऊपर आप बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हो। नज़दीक वाला ही हम लोग सपोर्ट लेंगे जिसके नीचे आप सेल कर सकते हो, वो रहेगा 29,467 के नीचे आप इसमें सेलिंग में रह सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जिन स्टॉक के बारे में, कि पहले हम लोग देखेंगे रिलायंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि रिलायंस भी एक सपोर्ट जो था अपना 1900 का, वहाँ से देखिए कि कैसा ऊपर आ गया और एक हैमर कैंडल बनाया। अगर कल 1965 के ऊपर अगर रिलायंस जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। मैं कुछ आपको इंट्राडे में भी दिखाना चाहता हूँ रिलायंस में। देखिए अपना जो 1900 का लेवल था यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे बनाया डबल बॉटम किया और अच्छी तरह ऊपर आ गया। तो यहाँ पे अपने इंट्राडे के लेवल भी थे, उसके टारगेट बनाए। तो देखें कि मार्केट में कोई भी चीज़ अच्छी तरह चलता है उसको आपको कैसे ट्रेड करने आना चाहिए। मैंने जब भी आपको कल स्टॉक दिए थे तो मैंने कहा था कि अगर मार्केट नेगेटिव तो उसमें सेल कीजिए। वैसे भी टाटा मोटर जो है कि ओपन के बाद अपने लेवल के बाद बहुत अच्छा नीचे भी गया था, फिर मार्केट रिकवर हुआ। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मार्केट वॉलेटाइल है तो आपको देख के करना पड़ेगा, क्योंकि एक गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा कवर भी होता है, मतलब सुबह में थोड़ा यहाँ पे नीचे जाने का फिर से कवर हुआ। तो मदरसुमी का जब तक 141 जिनको पोजिशनली है 141 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होता आप उसको होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पे रिकवर भी कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। SBI भी हमने दिया था तो SBI भी थोड़ा जाने के बाद यहाँ पे कवर हुआ। तो अगर मार्केट पॉजिटिव होता है और बैंक भी पॉजिटिव होता है तो SBI में 259 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे एक बाइंग पोजिशन भी आप बना सकते हो। तो हमको दोनों तरफ भी सोचना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी में आप नीचे और बाय भी ऊपर भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो है तो मोस्टली अपने जो स्टॉक थे जैसे कि जो सेल के दिए थे, यहाँ पे देखिए इंडस बैंक लेवल के यहाँ से रिकवर हुआ, तो बहुत सारे लेवल भी अपने वर्क होते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेड उधर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेवल के ऊपर भी आप सोच सकते हो मार्केट देख के। जैसे कि आज का मार्केट पॉजिटिव था तो वैसे कल भी मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव है वो देख के आपको ट्रेड करना है। कल के लिए कुछ मैं स्टॉक आपको देता हूँ, जैसे कि मैंने डॉक्टर रेड्डी पहले भी आपको दिया था, वो टाइम पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन आज जो है कि सपोर्ट के यहाँ पे इसने हैमर कैंडल बनाया, प्लस यहाँ पे अच्छा रिकवरी आती है एंड ऑफ द डे
5175 के ऊपर कल इसमें आप बाइंग को देख सकते हो। आईटी मोस्टली आईटी स्टॉक सब चले आज, लेकिन एचसीएल टेक में इसलिए ले रहा हूँ कि इसने एक नियर हाई ब्रेक किया और हाई ऑफ द डे क्लोज हुआ है। तो एचसीएल टेक आप कल देख सकते हो 919 के ऊपर। देन टीसीएस भी देखिए कि मैंने एक लास्ट टाइम आपको दिया था वो लेवल जस्ट वो टच करके अपना आई थिंक टारगेट भी बनाया था, ऊपर वाला लेवल टच करके आया था। तो ऊपर वाला जो लेवल है 2886 ये शायद कल ब्रेक कर सकता है, तो इसको भी आप देख सकते हो। देन भारतीय एयरटेल तो ये भी हमने बहुत बार इसमें लिया है, यहाँ पे भी आज एक लेवल के ऊपर जस्ट हैमर टाइप कैंडल बनाए 505 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरे टेक्निकल व्यूज थे, मार्केट वॉलेटाइल है और जैसे कि इतने गिरावट के बाद मार्केट ऊपर नीचे करेगा तो साइडवेज रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ए वीक भी छोटा है तो यहाँ पे आपको ए वीक में कोई ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करने, मोस्टली छोटा ट्रेड करके आप नेक्स्ट वीक में फ्रेश ट्रेड ले लो। तो ये जो मैंने आपको स्टॉक बताए ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कल ये स्टॉक ऐसे ही चलने चाहिए या इंडेक्स चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है तो आप मेरे साथ सीख सकते हो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। दिए गए नंबर के ऊपर आप इंक्वायरी कर सकते हो कोर्स के बारे में, आपका नाम और आपका सिटी का नाम आप हमको व्हाट्सएप कीजिए तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको डिटेल दे देगी। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।